बोलिए मिस्टर सिब्बी, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास आती है? फर्स्ट तो सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। दूसरी क्या? मिस्टर रुद्र, देखिए अगर ये फर्स्ट आपको आती है तो सेकंड थर्ड आसान है। आसान कैसे है? आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, ये तो सबसे आसान होती है, सबको याद होती है। तो एक बार आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दूसरी बार आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा सर? उधर समझ नहीं आ रहा? समझो एक बात, समझ में आई? ये सबको याद होती है, सबसे आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया और कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और दूसरी बार आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। मिस्टर रुद्र कोई डाउट तो नहीं? मिस्टर शिवांग बताइए ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या बन जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा तो कोई डाउट है? अब दो मिनट लगाइए, जो जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए प्लीज। अब लेट अस अज्यूम आपको डाउट आता है कि यार ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल कैसे आ गए। लेट अस अज्यूम ये भी समझ नहीं आता, तो पाइथागोरस थ्योरम तो समझ आती है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। मिस्टर रुद्र पाइथागोरस थ्योरम क्या? कोई डाउट है? अब देखिए मैं बोथ साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, बात समझ आए? तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या बन जाएगा? P square upon h square sine sine square theta जी। B square upon h square क्या बन जाएगा? Plus cos square theta is equal to one। नहीं समझ में आया? Basically मैं आपको ये कह रहा हूँ, you can start from Pythagoras theorem। आप Pythagoras theorem से start कर सकते हैं, बिल्कुल basic से। ये Pythagoras theorem हमें पता है right angle triangle पे लगता है, तो इससे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर दोनों साइड, बेसिकली आप जो राइट हैंड साइड पे एच स्क्वायर है उसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एच स्क्वायर से आपने डिवाइड किया। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट यू हैव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन। तो ये हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट हमने अज्यूम किया था वो अब विद प्रूफ आपको बता दिया। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटीज भूल जाती है, तो एक बार एल एच एस और आर एच एस को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये दो आइडेंटिटीज और आपके पास आ जाती है। सर उधर कोई डाउट तो नहीं? अब दो मिनट लगाइए, जो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला प्रूफ है इसको भी नोट कर लीजिए प्लीज। तो फ्रॉम द बिगिनिंग पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आप निकाल सकते हैं वो आपको बता दिए। तो कभी भी डाउट आए उसी टाइम ओपन योर टूल बॉक्स एंड यू कैन हैव द थ्री आइडेंटिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो ये तीन आइडेंटिटीज यूज करके आपको ये
ये आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इनको प्रूव करना है. तो कुछ आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे और बाकी बेसिकली हमने ये सारी की सारी 48 आइडेंटिटीज करनी है. कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क में करना है. करते कैसे हैं देख लीजिए. सी फर्स्ट मेथड ये है कि आप LHS से स्टार्ट करेंगे और आप RHS की तरफ जाएंगे. सर कोई डाउट है? नो सर. मेथड वन ये होता है, पर कई बार आपको लगेगा यार मेथड वन नहीं हो रहा, तो आप मेथड टू यूज कर सकते हैं जिसमें राइट हैंड साइड को आप लेंगे और राइट हैंड साइड को लेके आप LHS की तरफ जाएंगे. मिस्टर उधर डाउट आ रहा? नहीं सर. और कई बार क्या होगा, आपने दोनों मेथड्स कर लिए, दोनों से कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो आपके पास तीसरा मेथड ये है, यू विल टेक LHS. LHS को लेके आप एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे एंड देन व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक RHS और RHS को भी उसी रिजल्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. नहीं समझ में आया? समझ आया. अच्छा शुभांग समझ आया, तो ये बताइए ये क्वेश्चन सिक्स कैसे करेंगे? क्वेश्चन सिक्स सर थोड़ा दिख नहीं रहा. क्या नहीं दिख रहा? आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे. अभी दिख रहा? क्वेश्चन सिक्स दिख रहा. वन माइनस टैन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टैन ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू सेक्स स्क्वायर ए. फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपको क्या कहती है, क्या करना चाहिए? अच्छा पहले तो ये बताइए LHS से स्टार्ट करना चाहिए, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना चाहिए या इसको इसके इक्वल प्रूफ करना चाहिए? मिस्टर उधर आप क्या लेंगे? LHS. तो सबसे पहले लिख दीजिए टेक LHS. डाउट है? नो सर. उसके बाद क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, जो जो दिमाग में आता है उसको बोलिए. वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, बट वन माइनस टैन स्क्वायर. बोलिए बोलिए, जो दिमाग में आ रहा है बोलिए. अरे पहले तो स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए ना, इसको आप लेके क्यों घूम रहे हो? नहीं समझ में आ रहा. तो क्या करें, क्या लिखें? पहले तो सिंपलीफाई फिर हम कर सकते हैं. आगे बोलिए. प्लस बोलियो टैन स्क्वायर ए प्लस माइनस टू टैन ए प्लस वन प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस टू टैन ए. इसके बाद क्या करें? माइनस टू टैन ए और प्लस टू टैन ए कट जाएंगे. फिर क्या करें? फिर टू प्लस टैन स्क्वायर 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा. फिर क्या करें? 2 कॉमन ले लेते हैं. जी और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होगा फिर sec स्क्वायर ए. उधर समझ नहीं आ रहा. स्टाइल समझ आए कैसे करते? समझ आ रहा. देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, देख के आपको ऑब्वियस हो जाएगा कि आप किसको हाथ लगाना चाहते हैं. आप LHS को हाथ लगाना चाहते हैं, आप RHS को हाथ लगाना चाहते हैं, आपको देख के समझ आ जाएगा. अच्छा सो वन थिंग इज ऑफकोर्स, एक तो ये है कि यू हैव थ्री आइडेंटिटीज, ऑफकोर्स आप थ्री आइडेंटिटीज ही यूज करेंगे. बट ये सारे क्वेश्चन बच्चों को इसलिए कंफ्यूजिंग लगते हैं बिकॉज इसमें
आप नाइन्थ में जो फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन जो करके आए हैं वो भी यहाँ यूज होती है, नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? एंड ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा. प्लीज डू नॉट अज्यूम कि विदाउट प्रैक्टिस आपसे ये क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे. जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपसे होंगे. तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जैसे इस एक्सरसाइज में 48 क्वेश्चंस हैं, टिल द टाइम यू हैव डन 48 क्वेश्चंस यू वोंट बी कॉन्फिडेंट. मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? क्वेश्चन 11th, मिस्टर सीबी कैसे करेंगे? आपको देख के क्या समझ आ रहा है? सो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 11th. सो क्वेश्चन 11th देख नहीं रहा. सॉरी सर. एक्सरसाइज 21A पे हमको जो 6 दिख रहा अभी दिख रहा है क्वेश्चन 11th? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख. बोलिए मिस्टर सिवान, अभी दिख रहा है क्वेश्चन 11th? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉट ए अपॉन कोस एक्स स्क्वायर ए. अभी तो हम एलएचएस पर फिर फोकस करेंगे. तो सबसे ऑब्वियस क्या दिख रहा है आपको? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए. ये सबसे ऑब्वियस है जी. तो आपने रिड्यूस कर लिया इसको, सेक्स स्क्वायर है कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर है. यहां तक कोई डाउट है? नो सर. अब यहां पर आगे अगर आपको कभी भी थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो हर चीज को साइन और कॉस में, हर चीज को साइन और कॉस में रिड्यूस कर दीजिए. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा. तो चीजें बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट अस रिड्यूस sec square a टू sin cos. क्या बनेगा sec square a? क्या बनेगा? 1 अपॉन cos square a. cot a क्या बनेगा? cos square a अपॉन sin square a. cot a नहीं, cot a तो 1 अपॉन tan a बनेगा. 1 अपॉन tan a फिर cos square, cos a अपॉन sin a. cosec स्क्वायर है साइन स्क्वायर है. डाउट आ रहा? नो सर. तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है कि सब चीजों को रिड्यूस कर दो तो आपसे ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए. मिस्टर उधर समझ गया? सी मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा समझ आएगा. और प्लीज ये मत सोचिए कि एटलीस्ट इनिशियली जब आप इसको स्टार्ट करेंगे प्लीज ये मत सोचिए ये आसान है. क्योंकि अगर अच्छा अनदर थिंग इज कि प्लीज डू नॉट अज्यूम कि इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगती है. इसमें जो पुराना आपका अलजेब्रा है, पुराना अलजेब्रा जिसमें अलजेब्रा की आपने आइडेंटिटीज की थी 9th क्लास में, फिर अलजेब्रा की आपने एक्सपेंशंस की थी, फिर अलजेब्रा में आपने फैक्टराइजेशन की थी, वो सारी जो पुराने आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप यूज करने वाले. एग्जांपल देखिए, आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा है आप? मिस्टर शिवांग बोलिए क्या करेंगे. सबसे पहले दिमाग में क्या आता आपके मिस्टर शिवांग? जी क्या था आपके दिमाग में? इसको देख के दिमाग में सबसे पहले क्या था? sec स्क्वायर a नहीं, sec a होल स्क्वायर माइनस cos a होल स्क्वायर. क्या नहीं, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है वैसे sec स्क्वायर. अरे दादा ये a माइनस b और a प्लस b है आपके दिमाग में, इसको देख के क्या आता है सबसे पहले? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोलिए ना.
तो ये बोलिए ना आप, भाई ठीक है जी, ठीक है ओके। अब इसके बाद क्या करें? अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आपने रिड्यूस करना है दिस विच इज इन द राइट हैंड साइड। अब दिमाग में क्या आता है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर को इनमें से किसी में मैं चेंज कर सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर को इनमें से किसी में चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ रहा। आपके पास है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बोलिए वन। दूसरा क्या आपके पास? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या आपके पास? tan square theta plus 1 is equal to sec square theta। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आपको समझ आ जाएगा कि sec square को मैं किस क्या रिड्यूस कर सकता हूँ और cos square को मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूँ। मिस्टर उधर आप बताइए। आइडेंटिटीज देखिए ना ध्यान से। सेक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप मिस्टर शिवम? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। अरे दादा आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी हिंट दे रहा हूँ आपको। 1 अच्छा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर के इक्वल को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। वन माइनस साइन स्क्वायर है, फिर बात समझ ब्रैकेट में, जी ब्रैकेट में आएगा। तो एक बार जरा नोट करिए, इसको नोट करिए और मुझे बताइए जरा, ये आपने आप सॉल्व करके देखिए आता है नहीं आता। सेक्स स्क्वायर में आप डालिए 1 प्लस टैन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर में ब्रैकेट में डालिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और मुझे बताइए आर एच एस आता है या नहीं आता। बोलिए मिस्टर शिवम, कैसे कि हमने क्वेश्चन लिख दी? बोलिए पहले पहले जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने जो आइडेंटिटी यूज किया है उसे फिर हमको आंसर आया सेक्स स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर क्या किया? फिर हमने आइडेंटिटीज यूज की जिसमें सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए प्लस 1 और cos square a which is equal to 1 minus sin square a। मुझे समझ आ रहा नहीं यार। आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। भाई कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन 14 दिख रहा आप? क्वेश्चन 14 दिख रहा जी बाबू जी? करिए क्वेश्चन 14 के अपने आप ट्राई कीजिए। रुद्र बोली कैसे किया क्वेश्चन 14? सर एलएचएस ये कोसेक ए प्लस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। शाबाश। तो सर उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए शाबाश माइनस
वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। शाबाश सर, वन और वन कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ओके मिस्टर सार्थक, 2 मिनट्स। ओके तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ये माइनस और माइनस आपने कैंसिल कर दिया, कॉट स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है आपका आंसर आ गया और ये यहाँ पर आपने लिखा हुआ। सर कोई डाउट है? तो मैं आपको थोड़े और क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको पता चल गया यहाँ से डाउनलोड करने? पीडीएफ का आपको समझ आ गया? नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। बात समझ आए? मिस्टर शिवान समझ आया? समझ आया। सो 1 से 10 आप डाउनलोड कीजिए, पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और 1 to 10 स्टार्ट कीजिए।